Just let me fall to my groove. Tequila. राइट यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कार्तिक विशाल और आप देख रहे हो कार्तिक कस्टम। तो भाई स्वागत है आपका हमारे न्यू व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में काफ़ी मज़ेदार चीज़ होने जा रही है भाई, तो जो कि है कि भाई सब लोग जा रहे हैं KGF मूवी देखने, सब लोग जा रहे हैं। अभी हमको टाइम ही नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल। और हाँ, मैंने जैसे कि रॉयल इनफील्ड की एक टी शर्ट पहनी है, स्क्रैम 411, कैसी लग रही है आप ये बताना। और ये कुछ जोड़ा है, ये आपको आने व्लॉग में पता चलेगा। और बाकी चल रहे हैं आज भाई मूवी देखने, क्योंकि हमने नहीं देखी है मूवी और हमको बहुत देखने का मन है। टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, बट आज सोचे कि आज चलो यार देख के आते हैं। तो आज वेडनेसडे भी था, कम प्राइस में और बढ़िया चलते हैं GT के साथ ही। आज काफ़ी दिनों बाद आपको मोटो व्लॉग भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग भी मिस कर रहे थे मोटो व्लॉग और हम भी अपनी GT मिस कर रहे थे। तो जैसा अभी इनको निकाला, तो चलो फटाक से हेलमेट पहनते हैं, चलते हैं। 5:15 बजे का शो है, 4:30 हो रहा है, आधा घंटा बचा है। फटाक से नज़दीकी सिनेमा घर पहुँचते हैं और देख के आते हैं रॉकी भाई को, क्योंकि रॉकी भाई की बीच तो अपने पास है। तो चलो चलते हैं, हम खींच दे रहे हैं। ये जाओ, तुम भी जाओ। अरे ये बैठ गए, मतलब ये बहुत सुंदर। लो इंस्टाग्राम कहाँ है इसमें, देखो हमको देखोगे पागल हो जाओगे। बहुत मस्त वीडियो बनाते हैं, एक चक्के में चलती है गाड़ी, पता है कोई सेंसेस बात। चलो अब हम जाते हैं। बच्चे खुश, रॉकी भाई अपना जलवा दिखाते हुए। तो भाई हम तो पहले से ही फैन हैं साउथ इंडियन फिल्म्स के, तो इस चर्चे पे भी हम आते हैं आराम से। बट अभी थोड़ा भाई, काफ़ी दिन हो गए यार व्हीली मारे। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि इस वीडियो का टॉपिक रहेगा बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज़। तो जैसे पहले बॉलीवुड मूवीज़ आती थी, लोगों के दिलों पे राज करती थी, और साउथ इंडियन मूवीज़ के एक्शन देख के लोग हंसा करते थे, मैं भी हंसा करता था। लेकिन अब साउथ इंडियन मूवीज़ का कहर बॉलीवुड में कुछ ऐसा छा गया है कि मतलब वो तो स्टार्टिंग से ही रीमेक बनाते हैं साले बॉलीवुड वाले। गजनी देख लो, दृश्यम देख लो, मतलब जितनी भी टॉप क्लास मूवीज़ हैं, एक्शन थ्रिलर, क्राइम थ्रिलर, ये वो फलाना ढिकाना, सब कॉपी करते हैं साले अपना करण जौहर और बाकी जितने डायरेक्टर हैं। तो यही है कि भाई साउथ इंडियन वालों की अब रिस्पेक्ट एक्शन, सिनेमेटोग्राफी, स्किल्स, एक्टिंग, वहाँ कुछ ये नेपोटिज्म नहीं चलता है भाई। अल्लू अर्जुन भाई को देख लो और अपने रॉकी भाई को देख लो और भी जितने हमारे जितने भी लोग हैं, तो भाई ऐसे ही सीन है। अपने आगे खान लोग को देख लो, शाहरुख खान भाई की तो कैसेट फंसती रहती है। सलमान खान भाई की बॉडी है नहीं, VFX वालों की गन फट जाती है, एब्स लाल आके। उनको कोई मतलब है ही नहीं, सलमान भाई अपने कुछ भी कर सकते हैं। और आमिर खान भाई एकदम ईद का चांद हो गए हैं। कभी कभी आती है उनकी पिक्चर और बाकी टाइम वीवो का ऐड करते रहते हैं। मतलब क्या चल रहा है, सब पैसे छाप रहे हैं, कोई अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहा है। काम पे ध्यान दे रहा है अपनी साउथ इंडियन फिल्म्स भाई, मतलब रंग जमा दे। ओ क्लोज, तो अभी चलते हैं भाई, KGF देख के आते हैं, फिर तो उसको देख के तो बिजली पे बिजली पड़ेगी भाई। मजा आ गया। एंड एक और CG क्लब, एक और अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एक सेकेंड चैनल खोलूँ, और सेकेंड चैनल मैं किस लिए खोलूँ, क्या होगा उसमें, वो ये है कि उसमें अब थोड़े आएंगे एक्सप्लिसिट कंटेंट। क्योंकि मैं ये सोच रहा था, आजकल लोगों को पसंद है काफ़ी गाली गलौज और मतलब एकदम एंटरटेनमेंट फुल, और जो कि हमारे चैनल में अभी तो मतलब नो गाली गलौज और नो कुछ, मतलब एंटरटेनमेंट है। बट हम सोच रहे थे कि थोड़ा एक रोस्टिंग टाइप चैनल खोलेंगे,
अपन उसमें ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करेंगे और सिर्फ मोटो व्लॉग होगा, उसमें फेस रिवील नहीं करेंगे। बाकी जितने लोग को तो पता है जीटी कार्तिक कश्यप भैया चलाते हैं और आवाज़ से, बट उसमें हम कभी अपना फेस रिवील नहीं करेंगे और सिर्फ मोटो व्लॉग बकैती और दे भर के गालियाँ और खूब मतलब बकचोदी करेंगे उसमें। तो ये है हमारा सीन नया चैनल खोलने का, तो नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि ये चैनल खोला जाए कि नहीं। और भाई मतलब मैं बता रहा हूँ फुल, जो अपना अपन लौंडे लोग जो करते हैं ना बकैती, तो वो करेंगे उसमें और देखेंगे कि मज़ा आ रहा है कि नहीं। क्या हो गया भाई? ओहो एक्सीडेंट। भाई अंडरग्राउंड का जो साउंड रहता है ना वो तो अलग ही रहता है, और शायद सुनने में आया है जर्सी भी लग चुकी है। आरआर केजीएफ जर्सी, केजीएफ ही निपटाते हैं पहले। ऑलराइट गाइस, तो भाई मॉल आ चुके हैं और वेडनेसडे है, बहुत तगड़ी भीड़ है भाई। अभी अपन तो सोलो हैं तो सोलो में कोई दिक्कत तो जाएगी नहीं, और देखते हैं 10 मिनट अभी मूवी का बचा है। भीड़ तो खचा खचा है, और अपन को सीधे प्लेटिनम की टिकट मिल गई थी ऊपर के, तो वही देखेंगे एंजॉय करेंगे। बाकी सब बढ़िया है। भाई मतलब बाजा फाड़ दी भाई, ऐसी पिक्चर भाई, मतलब मज़ा ही आ गया। अब सब सीधे आपको मोटो व्लॉग में दिखाता हूँ, सारी चीज़ें जो हो रहा है वो मैं बताता हूँ मोटो व्लॉग में। भाई मतलब रॉकी भाई की बाइक देख के तो अब जीटी में स्वाद आएगा भाई, अब मज़ा आने वाला है। भाई मज़ा ही आ गया, अत्यंत खुशी। अब भाई मेरे को लग रहा है अपन बनेंगे रॉकी भाई, जैसा सबको लगता है मूवी देखने के बाद। अब तुम्हारा कार्तिक भाई भी दाढ़ी नहीं कटाएगा और ना बाल कटाएगा। अब कंडीशनिंग करेंगे हम, हेयर ग्रोथ और करेंगे, बस कोई राइडिंग जैकेट नहीं, सिर्फ सूट। भाई मतलब क्या ही मूवी थी यार, क्या ही डायरेक्शन था, क्या ही कास्टिंग थी, क्या ही सिनेमैटिक थे, क्या ही लोकेशन थी, क्या ही मतलब क्या बोलूँ। वीडियो तो ठीक, एसएफएक्स, साउंड, मतलब सारी चीज़ें टॉप नॉच यार, टॉप नॉच। ये ऑडियंस रिटेंशन जो था, कहीं भी एक सीन ऐसा नहीं आया कि लगे अबे क्या दिखा दिया है, बोर हो रहे हो। भाई मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट यार, मेरे को तो बाहुबली से भी अच्छी लगी भाई, पूरा फर्स्ट सीन से लेके एंड सीन तक भाई एकदम जोड़ के रखा। और भाई ये चैप्टर 3 का जो आया ना लास्ट में, एकदम से अलग ही मोटिवेट कर दिया भाई। मतलब ये होती है यार पिक्चर, फुल पैसा वसूल। पैसे की बात करें तो सिर्फ 110 रुपये लगे और हम एकदम ऊपर प्लेटिनम में आराम से देख रहे थे पिक्चर। तो भाई मतलब क्रेजी मूवी, जिनने नहीं देखी वो प्लीज़ जाके देखो और भाई मज़े लो। ये है यार फ्यूचर, ये है मतलब क्या ही बोले। इसलिए तो देख रहा हूँ सारे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस भाग रहे हैं सीधे उसी साइड। ऑलराइट गाइस, तो फिर यही थी हमारी आज की वीडियो। होप आपको वीडियो देख के मज़ा आया, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है। और मुझे बताना कि वो नेक्स्ट चैनल खोला जाए कि नहीं, और मूवी जिसने नहीं देखी वो जाके देखिए। बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है। तो मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज़ मी कार्तिक विशाल, साइनिंग ऑफ।